हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, हम लोग बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं और इसमें हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। इसमें बताना है हमें कि जो सूक्ष्म प्रजनन उसमें क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है वो अलैंगिक प्रजनन संभव है। क्या हो जाएगा? अलैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो अगुणित बताना है कि किसमें नहीं होता। तो शैवाल में नहीं होता, लैंगिक प्रजनन में भी अगुणित नहीं होता और ब्रायोफाइटस में भी नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो ये बताना है कि स्तनधारी जो है उसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? वो माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मनुष्य के युग्मकों यानी कि गेमेट्स में जो गेमेट्स है गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गेमेट्स में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो वो जो होती है 44 होती है। कितनी होती है? 44 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। बताना कि कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है। तो वो जो हो जाएगा चल बीजाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कायिक प्रवर्धन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा फल कुटफल है। कुटफल बताना है कि कौन सा कुटफल है। तो क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेब होना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर सेब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इधर है, यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन एकलिंगी है। तो बताना है एकलिंगी पौधा कौन है, यानी कि एकलिंगी जो है वो कौन है। तो वो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एकलिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये बताना है कि एंटोमोफिली जो है नामक परागण है वो किसके द्वारा होता है। तो ये कीड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीड़े के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसी गुण को जो हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। आपको यह क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा मत, अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निषेचन क्या है। तो निषेचन बताना है कि निषेचन क्या है। तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को ही निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को ही निषेचन कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इनमें से कौन जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। कौन सा ऐसा जंतु जो कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये बताना है हमें। तो क्या नहीं पाया जाता है, ये बताना है। तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद पौधे के बारे में बताना है। जलोद्भिद पौधा कौन है? तो क्या हो जाएगा? वो सिंघाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा। आपने तो देखा ही होगा सिंघाड़ा और खाया भी होगा। तो वही सिंघाड़ा जो है जलोद्भिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ऐसा कौन सा जो जनन परत है जिसे रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो एंडोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोडर्म इसका राइट आंसर है। इसी के द्वारा जो है जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, एंडोडर्म द्वारा। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही ज़्यादा। ये हर साल एग्जाम में आता है, आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मनज जो है 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है। जो मादा जो मुखिया गर्भ निरोधक यानी कि जो गोली खाती है वो किसे रोकता है। तो वो जो रोकता है अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसको रोकता है? अंडोत्सर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। ये बताना है, जो मेंडल थे उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है। तो उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रथम अनुवांशिकी वी अनुवांशिकी के पिता थे। बताना है कि जो प्रथम अनुवांशिकी के पिता कौन थे, ये बताना है। तो वो मेंडल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्लेनर जॉर्न मेंडल इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्नट सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होंगे। तो जो टर्नट
सिंड्रोम है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये विकार हो जाता है, तो 45 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 45, इसमें बढ़ जाता है एक, इसके कारण जो है टंडन सिंड्रोम जैसे गुण आ जाते हैं, इसी के कारण ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंडल का द्वितीय नियम है, तो ये बताना है कि जो मेंडल है उनका द्वितीय नियम क्या है। तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। क्या है? जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उनका द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है मेंडल का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, अनुवांशिकी शब्द किससे प्रस्तावित किया, जो अनुवांशिकी शब्द है वह किसने इसका प्रस्तावित किया ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वेटसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटसन इसका राइट आंसर है। अनुवांशिकी शब्द जो है वेटसन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कानों पर बाल की बहुलकता का जीन पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा जो जीन है, जो क्रोमोजोन है जो पाया जाता है जिसके कारण जो है कानों पर जो है बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाई क्रोमोजोन के कारण जो है इसका बाल जो है बहुत ज़्यादा होता है कान पर, तो वाई क्रोमोजोन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? बताना कि किनके द्वारा दिया गया है अर्जित जो गुण है उनका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो लैमार्क द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लैमार्क द्वारा। इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? जो बाहरी डीएनए होता है उसमें मेजबान कोशिका है उसमें लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो जीन गन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जीन गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? प्रारंभन कूट बताना है। तो प्रारंभन कूट जो हो जाएगा AUG तथा GUG इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AUG और GUG जो है ये दोनों प्रारंभन कूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, DNA से RNA की भिन्नता है, इसका DNA से RNA की भिन्नता क्या है? तो देखिए जो DNA है उसमें डीऑक्सीराइबोज पाए जाते हैं लेकिन जो है RNA उसमें नहीं पाया, तो यही इसका भिन्नता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है? बताना है कि आरएनए में कौन सा जो ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो थायमिन जो है नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमिन जो है नहीं पाया जाता है। यह डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ऑपरेंट मॉडल का प्रदर्शित करता है, ऑपरेंट मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो वो जो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? बताना है उसमें टाइम था हम लोग का, आरएनए में कौन सा नहीं होता है? तो वो थायमिन नहीं होता है। और इसमें बताना है कि डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में जो नहीं पाया जाता है वो यूरैसिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? यूरैसिल नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि आरएनए में जो है थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में जो है यूरैसिल नहीं पाया जाता है। देखिए आरएनए में टी ऐसे टी कर लीजिए, थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में जो है यूरैसिल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरैसिल जो है नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका उपयोगी साधन है? बताना कि किसका उपयोगी साधन है? तो वो जो है सैटेलाइट जो है डीएनए का जो है जिन प्रौद्योगिकी का जो है इसका साधन है, जिन प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी डीएनए में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा? तो GAC का प्रतिकूट क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो CUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CUG इसका राइट आंसर है। इसका यही प्रतिकूट होगा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो क्या निर्माण करता है? तो वो जो निर्माण करता है वो उत्पादक जीव और माध्यम ये तीनों का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो ये बताना है कि जो पक्षियों है और तितली उन लोग का जो डैना होता है यानी कि जो पंख होता है वो कैसा अंग है? तो वो असमजात अंग है। कैसा है? असमजात अंग है। मतलब दोनों दिखते समान है लेकिन दोनों दिखते अलग है लेकिन उन लोग का काम जो है समान है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताना है हमें जो आधुनिक मानव है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो क्या हो जाएगा? वो होमोसेपियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें पश्च
विषाणु कौन है बताना है कि पशु विषाणु कौन है, वो ह्यूमन इम्यूनियो डिफेंसिस वायरस है, यानी कि HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पशु विषाणु है वो HIV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एलिफेंट्रिस का कारक है। एलिफेंट्रिस का कारक क्या है ये बताना है। तो वाउचेरिया वैन क्राफ्टी जो है, जो उसे फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका कारक है। वाउचेरिया यानी कि फाइलेरिया का जो कारक है वो एलिफेंट्रिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिफेंट्रिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया है। तो जो एलर्जी से हम लोग में प्रतिरक्षिया बनती है, तो वो कौन सी प्रतिरक्षिया बनती है? तो वो IgE बनती है। क्या होती है? IgE का प्रकार के बनते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन है? तो वो जो गोनेरिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमेशा हर साल एग्जाम में आता है कि यौन संचारित रोग कौन है, तो उसका ऑप्शन में जो रहता है सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स रहता है, लेकिन इस टाइम जो है गोनेरिया दिया है, तो गोनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? विषाणु किससे बना होता है? जो विषाणु है वो किससे बना होता है ये बताना है। तो विषाणु जो है वो लिपिड तथा प्रोटीन के बेस से बना होता है। किससे बनता है? लिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये देखिए क्वेश्चन आ गया हम लोग का। वाउचेरिया बैनक्राफ्टी मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो समूह से संबंधित है वो हेलिमेंथिस से समूह से संबंधित है। किससे? हेलिमेंथिस से यह संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। आपको यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल से सेवन करने से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? मतलब आप जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगेंगे, पीने लगेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो शरीर में अंग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो वो कौन सा अंग प्रभावित करेगा? तो वो जो है यकृत प्रभावित करेगा। क्या करेगा? यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है ये बताना है। जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो वो जो संक्रमण अवस्था होती है वो स्पोरोजॉइड होती है। क्या होती है? स्पोरोजॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? बताना है कि कैंसर कोशिकाएं कौन है? तो वो हेला कोशिकाएं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हेला कोशिकाएं जो है, हेला सेल्स, वही जो है कैंसर कोशिकाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम है। प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करती है उसका कोशिका क्या नाम है? तो उसका टी कोशिका नाम है, यानी टी सेल्स नाम है इसका। राइट आंसर टी सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। सेंटअप एग्जाम में बिल्कुल यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल, और एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो बिल्कुल है कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। जो हम लोग पेयजल यानी कि जो पानी है, पानी से ऐसा कौन सा रोग जो है फैलता है? तो कौन सा है? तो टाइफाइड। अगर आप लोग गंदा पानी पिएंगे तो आप लोग को टाइफाइड हो सकता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है ये बताना है। तो डिफ्थेरिया जो है, डिफ्थेरिया या विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो ये बताना है, जो मिट्टी है उसमें उपजाऊ बनाने के लिए क्या सहायक हो जाएगा? तो कीटनाशक तो नहीं होगा, जैविक खाद हो जाएगा, इष्ट भी नहीं होगा सभी। तो क्या हो जाएगा? जैविक खाद हो जाएगा। तो हो जाएगा, जैविक खाद जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? जो वीर्य है उसको किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में जो है वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो सुनहरा धान होता है, जो गोल्डन धान होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें जो विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? B12। भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, तो आपको बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? बताना है कि मेजर कॉर्प कौन सी मछली नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो नैनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या मेजर कॉर्प मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लेग हॉर्न जो है इनमें किसकी उन्नत किस्म है? जो लेग हॉर्न है वह चूजा की किस्म में आती है। किस्में देती है? चूजा की किस्म है, जो मुर्गी का बच्चा होता है ना चूजा, उसी की किस्म में आती है। लेग हॉर्न जो किस्म है, एक चूजा की किस्म में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी गैर फली पौधे के जड़ में पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, तो ऐसे कौन से जो है जो फली के पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद रहता है, तो वो एजोटोबैक्टर रहता है। क्या होता है? एजोटोबैक्टर जो है रहता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, बताना है कि माइक्रोबायोलॉजी से जो है किसका संबंध नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेफन हेल्स का, स्टेफन हेल्स का जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, बताना कि कौन सा ऐसा एंजाइम जो है प्रयुक्त होता है जो जीवाणु के भित्ति को तोड़कर डीएनए एवं अन्य बृहद अणुओं को मुक्त करने हेतु एंजाइम को प्रयुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइसोजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम इसका राइट आंसर है। यही जो है ऐसा एंजाइम जिसके कारण जो है डीएनए एवं अन्य बृहद अणुओं को मुक्त करने हेतु लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है, तो वो जो है स्प्लीन जो है जाना जाता है। क्या होता है? स्प्लीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन जो है एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो किसके लिए गया था? वो एडिनोसिन डीएमिनेस की कमी के लिए किया गया था। किसके लिए किया था? एडिनोसिन डीएमिनेस की कमी के लिए सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित हेतु किस पौधे में किया था, तो जो आरएनएआई है जो रोगाणु है यानी कि जो मतलब कीड़े है उनको नियंत्रित करने के लिए जो इस पौधे में किस पौधे में इंजेक्ट किया गया है, तो वो तंबाकू में किया गया है। किसमें? तंबाकू में किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विषम जात प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम जात। देखिए विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विषम जात प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम जात प्रोटीन। इसको आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड बताना है कि प्लाज्मिड कौन है, तो वो जो हो जाएगा पीबीआर, क्या हो जाएगा? पीबीआर 322 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीबीआर 322 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, जो हवा जो रहता है उसका वेग होता है, जैसे कि समुद्र के वेग होते हैं, धरती का जो वेग होता है जिसकी भूकंप आने से जो नापा जाता है, इसी तरीके से हवा का जो वेग नापने के लिए हम लोग यंत्र का यूज़ करते हैं, वो उस यंत्र का क्या नाम है ये बताना है हमें, तो उस यंत्र का जो नाम है वो एनमोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनमोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका? एनमोमीटर के द्वारा जो हम लोग हवा के वेग को मापते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या अध्ययन कहलाता है, तो मानव जो जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग ये बताना है, तो मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पौधों जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं, जो पौधे रहते हैं चट्टानों पर उगते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है, तो उसे जो हम लोग कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। इसका बहुत अच्छा है, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, बिल्कुल आप भूलिएगा मत। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो जनसंख्या जब अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आय में कमी हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यह तीनों की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है, कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है, तो हमेशा जो है 10% होगा। कितना होगा? 10% जो है हमेशा एक पोषक से दूसरे पोषक में स्तर में स्थानांतरित होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। 10% जो है वो पोषक स्तर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग श्रेय दिया जाता है, तो किसने यह किसको श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है, वो टॉन्सली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? टॉन्सली को दिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग का
श्रेय जो दिया था टॉन्सिली को, उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? बताना कि कीट पक्षी जो कीट भक्षी पौधा है, यानी कि जो ऐसा पौधा जो कीट को भी खा जाता है, वो नेपथेंसिस है। क्या? नेपथेंसिस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, वो ये बताना है। तो वो जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलिएगा मत, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है। तो कितना जो है वैश्विक जातीय है? तो वो लगभग 8.1% है। कितना है? लगभग 1.8% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, SO2 प्रदूषक का सूचक है। तो SO2 प्रदूषक का सूचक क्या हो जाएगा? वो तो लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन है। इसका राइट आंसर आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का क्लास था। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।